अब वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि ये जो सोलेनोइड है, इमेजिन करो ये जो सोलेनोइड है इसको आपने गोल घुमा दिया। आपका सोलेनोइड ऐसे लंबा था, स्ट्रेट था, आपने दो कोने पकड़े, इसको गोल घुमा दिया, स्प्रिंग है जैसे, पूरा एक स्प्रिंग को गोल घुमा दिया सर्कुलर, तो ऐसा दिखेगा आपको सोलेनोइड। यहां से स्टार्ट होगा और घूम के यहां आ गया, तो आई करंट जा रहा है, घूम के आई करंट वापस आ रहा है। तो इस गोल सोलेनोइड को फिजिक्स में बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनोइड, टोरॉइड बोलते हैं या टोरॉइडल सोलेनोइड बोलते हैं, क्लियर है? तो नॉर्मल सोलेनोइड से हटके शेप है, सर्कुलर है, तो टोरॉइडल सोलेनोइड है। पॉइंट ये है कि आपको इसके एक्सिस के अंदर, इसके अंदर, इस सोलेनोइड के अंदर इनसाइड बी निकालने क्या होगा। तो आपको एक सोलेनोइड, ये सोलेनोइड है मतलब टोरॉइड है, टोरॉइड के एक्सिस पे अंदर, इसके अंदर बी क्या होगा, क्योंकि बाहर तो होगा नहीं ना, सेम प्रॉब्लम सोलेनोइड वाली, बाहर तो लेंगे ही नहीं बी, वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा कैंसिल होने की वजह से, अंदर ही अंदर एक्सिस पे होगा, तो एक्सिस के ऊपर निकालना है बी क्या होगा। तो जहां बी निकालना है वहां क्या इमेजिन करनी है, क्लोज्ड पाथ। मेरे को कहां निकालना है इसके बीच में, तो ये सर्कल देख रहे हो, ये डार्क, ये क्या है, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, क्योंकि इसके अंदर ही मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। कैसे, ये टोरॉइड कैसे है, ये टर्न, फिर ये टर्न, फिर ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, गोल घूम रहे, तो पहला टर्न ऐसे होगा, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर ऐसे है, दूसरा टर्न थोड़ा टेढ़ा होगा, बी वेक्टर ऐसे है, तीसरा टर्न ऐसे होगा, बी ऐसे है, घूमता जा रहा है। तो आप एक चीज नोट करो, इसमें जो थंब है वो कैसे आ रहा है, सर्कल, क्योंकि टर्न घूमते जा रहे हैं और थंब ऐसे घूम, तो बेसिकली यही क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि एक्सिस के ऊपर है। तो आप लिख सकते हो इसमें, इस डार्क लाइन के एरो बना के, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। तो डार्क लाइन जो है सर्कल, उस पर लिखो इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ। ठीक है यहां तक, तो इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ये रहा। अब एक काम करते हैं, इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ का अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या निकलेगा, बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल के लिए काम करते हैं, डीएल या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, मैंने गलती से दो एरो बना दिए, तो एक एरो बनेगा, करेक्शन कर लेना अगर बने हुए हैं, सिंगल एक एरो ले लो डीएल एक तरफ, तो जिस तरफ ऑब्वियसली बी वेक्टर भी इसी तरफ है, डीएल भी इसी तरफ है, तो एज यूजुअल स्मॉल एलिमेंट में बी और डीएल में एंगल क्या होगा, जीरो। पर हमें तो बी डॉट डीएल पूरे सर्कल का निकालना है, सर्कल के निकालने के लिए डीएल 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 सर्कल का क्या देगा, 2πr, कोई डाउट इसमें, तो बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी, बी इंटू 2πr। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डीएल की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसमें से क्लोज्ड पाथ में से पास कर गया और कितने टाइम्स पास कर गया। तो एक लूप में कितना करंट पास कर गया आए, कितने टर्न्स हैं इसमें काउंट कर लेते हैं, हम फिर से मान लेते हैं छोटा एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमें पता है ये जो क्लोज्ड पाथ है सर्कल, इसकी लेंथ क्या है, 2πr, इसकी लेंथ 2πr, तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2πr लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, एक टर्न का करंट आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो बी डॉट डी एल आ गया, बी डॉट डी एल आ गया, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करेंगे, चेक करो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में 2πr कट जाएगा और फिर से आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, यानी कि सोलेनोइड और टोरॉइडल सोलेनोइड का आंसर एग्जैक्टली सेम है और होना भी सेम चाहिए था, होता तो ये सोलेनोइड है, सिर्फ शेप ही चेंज की है, एक्सिस तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, तो आंसर विल रिमेन सेम, कोई डाउट इसमें। तो इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्लियर है, ठीक है यहां तक। विदेशों में चीन का निवेश 3.40 अरब 80 करोड़ का इजाफा हुआ। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार बेल्ट एंड रोड ETF देशों में चीन का निवेश